हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूँ अर्चना सिंह। सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। अब आपको बताएंगे आज पंजाब में शक्ति प्रदर्शन क्यों करेंगे मुख्यमंत्री अमरिंदर। सरकार ने कश्मीर के बाद आज लद्दाख पर क्यों बुलाई ऑल पार्टी मीटिंग। तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच डॉक्टर्स डे पर आज क्या संदेश देंगे प्रधानमंत्री मोदी। लेकिन सबसे पहले जानिए कि मंत्रियों के साथ मोदी की देर रात तक चली बैठक में क्या हुआ बड़ा फैसला। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने वैक्सीनेशन में लोगों को हो रही दिक्कत पर चिंता जताई। मोदी ने कल रात कुछ मंत्रियों के साथ एक अहम बैठक की, पौने 5 घंटे तक चली। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मंत्रियों को कई बड़े निर्देश दिए और अपने मंत्रियों से कहा कि वो वैक्सीनेशन के काम में जुट जाए, लोगों की परेशानी को खुद देखेंगे और उनका समाधान कराएं। देर रात तक चली इस मीटिंग में प्रधानमंत्री ने अलग अलग मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा भी की। मंत्रालयों के सचिवों ने प्रेजेंटेशन दिया और मंत्रियों ने अपने विभाग की उपलब्धियां बताई। इस दौरान सड़क परिवहन, दूरसंचार, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अपनी प्रेजेंटेशन दी। कोरोना और वैक्सीनेशन पर नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने प्रेजेंटेशन दिया। बैठक में प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों से कहा कि वो वैक्सीन लेने वाले लोगों की लाइन में खड़े होकर देखें कि लोगों को क्या दिक्कत आ रही है। मंत्री जब अपने लोकसभा क्षेत्र में जाएं तो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के साथ साथ मास्क लगाएं और लोगों को भी मास्क लगाने के लिए कहें। ये ना समझें कि कोविड खत्म हो गया, हमें इस तरह से काम करना चाहिए कि कोविड की तीसरी लहर ना आए। ऐसा माहौल बनाया जाए ताकि लोग कोरोना दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करें। महामारी अभी खत्म नहीं हुई, इसीलिए युद्ध स्तर पर टीकाकरण होते रहना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को काम में लगाया जाए। मोदी ने यह भी कहा कि कोरोना काल में बहुत सारे भ्रम और झूठ फैलाने की कोशिश हुई, उसका तथ्यों के साथ जोरदार जवाब देने की जरूरत है। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल नहीं करने पर मंत्रियों से नाराजगी जताई और कहा कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने के लिए पहले भी कहा गया, लेकिन मंत्री इस पर ध्यान नहीं दे रहे। उन्होंने अपने मंत्रियों से सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करने के लिए कहा और निर्देश दिया कि मंत्री अपने अपने मंत्रालयों के काम को जनता तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें और सोशल मीडिया पर पॉलिटिकल प्रेजेंस भी बढ़ाएं। पीएम मोदी ने कहा मंत्रालय या सरकार से जुड़े राजनीतिक मुद्दों पर भी सोशल मीडिया पर पक्ष रखा जाना चाहिए। पौने 5 घंटे तक चली इस मीटिंग में प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों से कहा कि सरकार की 7 साल की उपलब्धियों को जनता के सामने मजबूती से रखें। मंत्रियों ने जिन परियोजनाओं का शिलान्यास किया या फिर आधारशिला रखी, उनका उद्घाटन भी वही करें। मंत्री सभी परियोजनाओं की निगरानी करें और सुनिश्चित करें कि उनका काम पूरा होने में देरी ना हो। प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से महामारी के बाद अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में सुझाव भी मांगे। उन्होंने सभी मंत्रियों से अपने अपने मंत्रालय में मिशन मोड में काम करने की अपील की और संसद के मॉनसून सत्र के मद्देनजर सभी मंत्रियों से आंकड़े और तथ्यों के साथ तैयारी करने को कहा ताकि विपक्ष को करारा जवाब दिया जा सके। इंडिया टीवी संवाददाता देवेंद्र पराशर हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं इस वक्त। देवेंद्र, कई महत्वपूर्ण बातें कल प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों से कही इस बैठक के दौरान, लेकिन सबसे ज्यादा जो जिक्र हुआ वो वैक्सीनेशन का हुआ, कोविड के समय में किस तरह से मंत्री व्यवहार करें इसको लेकर हुआ। जी निश्चित तौर पर जो प्रेजेंटेशन हुआ था, वीके पॉल ने प्रेजेंटेशन दिया, उसके बाद जब पीएम बोल रहे थे तो उन्होंने ये बताया कि किस प्रकार से मंत्रियों को खुद एक रोल मॉडल के तौर पे दिखना है जिसमें वो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए दिखे और साथ ही साथ पूरे वैक्सीनेशन ड्राइव में एक्टिवली शिरकत करें ताकि लोगों को जो भी परेशानी हो रही है उन परेशानियों को दूर किया जा सके और ये वैक्सीनेशन ड्राइव ज्यादा तेजी से चलाया जा सके ताकि तीसरी लहर की जो जिस खतरे या आशंका को बताया जा रहा है उससे रोका जा सके, उसे काउंटर किया जा सके। उसके लिए ये दोनों ही तरीके हैं कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो और साथ ही साथ वैक्सीनेशन हो। इसके अलावा पीएम ने जो ये कहा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्योंकि आगे अब और तेज करना है कोविड पोस्ट कोविड दौर में, तो उसमें नए नए आइडियाज आने चाहिए सभी मंत्रालयों को। वो आइडियाज क्या है ये आप शेयर कर सकते हैं, उसमें कैसे और तेजी से काम किया जाना चाहिए, लेट लतीफी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जिस प्रोजेक्ट का इनोग्रेशन किया जा रहा है कोशिश ये करें कि इतने कम समय में वो पूरा हो कि उसका इनोग्रेशन भी आप अपने कार्यकाल में ही कर लें। तो कुल मिलाकर पीएम ने एक
तीन तरीके का मंत्र दिया, पहला कोरोना, दूसरा इकोनॉमी को लेकर और तीसरा मैसेजिंग को लेकर, कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं, जो भ्रम फैलाया जा रहा है, झूठ फैलाया जा रहा है, चाहे कोरोना से रिलेटेड हो, वैक्सीनेशन से रिलेटेड हो या फिर सरकार के कामकाज से रिलेटेड हो, उसे काउंटर करना बहुत जरूरी है। और ये मंत्र निश्चित तौर पर संसद का मानसून सत्र, जो कि उम्मीद जताई जा रही है कि 19 तारीख से शुरू होगा, तो उससे पहले ये मंत्र इन मंत्रियों को भी बहुत काम में आने वाला है, क्योंकि संसद में जाहिर तौर पर विपक्ष बहुत ज्यादा तीखे हमले करेगा। तो मोदी ने साफ कहा अपने मंत्रियों से कि सत्य सामने रखे और तथ्यों के साथ रखे। देवेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए, हम दूसरी खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे। दिल्ली में मोदी ने मीटिंग की तो पंजाब में अमरिंदर सिंह आज एक्शन में हैं। राहुल प्रियंका से कल हुई सिद्धू की मुलाकात के बाद आज पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे। अमरिंदर सिंह ने चंडीगढ़ में अपने मंत्रियों, कांग्रेस विधायकों और संगठन के बड़े नेताओं को लंच पर बुलाया। न्योता पंजाब कांग्रेस के उन नेताओं को भेजा गया जो अमरिंदर के समर्थन में है। इस लंच डिप्लोमेसी के जरिए कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। दिल्ली से पंजाब कांग्रेस की लड़ाई को खत्म करने की कोशिशें जारी हैं। कल दिन भर बैठकों का दौर चला जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी एक्टिव नजर आईं। माना जा रहा है कि पंजाब कांग्रेस में सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच की लड़ाई को सुलझा लिया गया, केवल इसका आधिकारिक ऐलान बाकी है। जानकारी मिली कि पंजाब के लिए आलाकमान नवजोत सिंह सिद्धू को बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं। हालांकि अब तक साफ नहीं कि सिद्धू को क्या जिम्मेदारी मिलने वाली है। इस बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज पार्टी के विधायकों को लंच पर बुलाया। माना जा रहा है कि कैप्टन अमरिंदर की तरफ से ये शक्ति प्रदर्शन होगा। कल दिल्ली में सिद्धू एक्शन में थे। पंजाब में नई और बड़ी जिम्मेदारी लेने की कोशिश में लगे सिद्धू ने राहुल और प्रियंका से मुलाकात की थी। जवाब में आज कैप्टन अपनी ताकत दिखाएंगे। लंबे समय से कैप्टन और सिद्धू के रिश्ते ठीक नहीं। अगले साल पंजाब में चुनाव है, इसीलिए कांग्रेस नेतृत्व दोनों के बीच की बढ़ती खाई को पाटने की कोशिश कर रहा, लेकिन कैप्टन और सिद्धू की लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही। झगड़े का अंत इसलिए आसान नहीं क्योंकि सूत्रों के मुताबिक नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष पद चाहते हैं, लेकिन कैप्टन इसके लिए राजी नहीं। कैप्टन और सिद्धू दोनों जाट सिख हैं, इसीलिए कांग्रेस सीएम और प्रदेश अध्यक्ष दोनों पद जाट सिख समुदाय को देकर दूसरे समुदायों को गलत मैसेज नहीं देना चाहती। सिद्धू चाहते हैं कि अगले विधानसभा चुनाव में उनकी भूमिका बड़ी हो, जिससे टिकट बंटवारे में उनका दखल हो। जब कांग्रेस हाईकमान को ऐसा फैसला करना है जिससे दोनों नेता खुश रहें। चंडीगढ़ से पुनीत परिजा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। पुनीत, कल बैठकों का दौर चला दिल्ली में और आज कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मंत्रियों, विधायकों को बुलाया है लंच पर। क्या मामला सुलझ गया है या और उलझा है? देखिए, अभी तक सिद्धू को क्या दिया जाएगा क्या नहीं दिया जाएगा, ये अब आला कमान के मैं कहूँ तो उनके अभी उनके पास ही सीमित है। और उसके बाद अभी एक मामला इतनी जल्दी सुलझ जाएगा ये अभी नहीं है, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी अभी दिल्ली बुलाया जाएगा। इसके बाद कल नवजोत सिंह सिद्धू मिले हैं, उसके बाद वो वहां पर अपनी बात रखेंगे, मुलाकात करेंगे। और क्या नवजोत सिंह सिद्धू से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी, ये तमाम जितने भी आलाकमान के नेता, इनकी क्या बात हुई है, वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के सामने उसको रखा जाएगा। और उसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह की भी ये बात माननी होगी, क्योंकि सभी ये कह चुके हैं कि जो आलाकमान तय करेगा वो हमें मानना होगा। और इसी बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो नाराज जो विधायक थे, उसके अलावा जो नाराज पार्टी के नेता हैं और भी जो लोग हैं पार्टी से जुड़े हुए, उनको लंच पर बुलाया है। तो ये माना जा रहा है कि जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले अश्विनी शेखरी का नाम आया था कि वो कैप्टन अमरिंदर सिंह से नाराज चल रहे हैं और वो पार्टी छोड़ने को तैयार भी हो गए। अश्विनी शेखरी का नाम इसलिए मैं ले रहा हूं क्योंकि वो गुजरात के प्रभारी भी हैं और कांग्रेस में सेक्रेटरी भी हैं, तो ऐसे में बड़ा नाम है, पुराने मंत्री भी रहे हैं, पुराने हैं, और वो नाराज हो गए थे। हालांकि उनको बाद में मनाया गया, वो अकाली दल ज्वाइन करने वाले थे, उनको भी आज लंच में बुलाया गया। जिस तरह की कल बैठकें चली, साफ लगता है कि सिद्धू ये समझा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि उनका आला कमान से बहुत ज्यादा नजदीकी है, तो फैसला उनके पक्ष में होगा। दूसरी तरफ कैप्टन साहब बता रहे हैं कि पंजाब में उनकी ही चलेगी, चाहे कोई कुछ भी कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। पंजाब की तरह एक मीटिंग आज लद्दाख पर भी होनी है। जम्मू कश्मीर के नेताओं से बात करने के बाद आज मोदी सरकार लद्दाख के नेताओं से बातचीत करेंगे। लद्दाख पर आज दिल्ली में ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई। सुबह 11 बजे लद्दाख और करगिल की अलग अलग पार्टियों के नेताओं से मीटिंग होगी। बैठक की अध्यक्षता गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी करेंगे। 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया था, साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया था। इस बड़े कदम के बाद आज पहली बार लद्दाख के नेताओं से बात होगी। इससे पहले 24 जून को जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ दिल्ली में बातचीत हो चुकी है।
जिसमें ये साफ कर दिया गया था कि राज्य में पहले परिसीमन होगा, उसके बाद चुनाव कराए जाएंगे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के साथ होने वाली इस बैठक में करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस शामिल हो रहा है। करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के 11 सदस्यों की टीम आज मीटिंग में होगी, साथ ही ले एपेक्स बॉडी के सदस्य भी मीटिंग में शामिल होंगे। इस मीटिंग से पहले कुछ पार्टियों ने अपना एजेंडा साफ कर दिया। डेमोक्रेटिक अलायंस की मांग है कि लद्दाख में आर्टिकल 370 को बहाल किया जाए, साथ ही लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। वहीं ले एपेक्स बॉडी की मांग है कि लद्दाख में विधानसभा के साथ साथ उसे यूनियन टेरिटरी का दर्जा भी दिया जाए। ले एपेक्स बॉडी में राजनीतिक दलों के नेता, धर्मगुरु और छात्र नेता शामिल हैं। देवेंद्र पराशर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, महत्वपूर्ण मीटिंग है ये, क्योंकि पहले कश्मीर, जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री की बैठक हुई और आज गृह राज्य मंत्री की लद्दाख के नेताओं के साथ बैठक। क्या इसमें भी ओपन एजेंडा है या कुछ फिक्स एजेंडा रखा गया इस मीटिंग का? नहीं, निश्चित तौर पर ओपन एजेंडा है और चार दिन पहले इस बैठक के बारे में करगिल के नेताओं को बताया गया था, लेह लद्दाख के नेताओं को बताया गया था और आज 11 बजे वो बैठक है गृह मंत्रालय में, जब गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी के साथ इन नेताओं की मुलाकात होगी। जाहिर तौर पर इनकी जो डिमांड है, पहले से उनमें से कुछ दल ऐसे हैं जो कि जिनका ये मानना होता है कि 370 और 35 की पुनः बहाली हो, किसकी कुछ की डिमांड है कि स्टेटूट जल्द से जल्द दिया जाए, लेजिस्लेचर दिया जाए, तो इन सारी चीजों विधान परिषद दिया जाए, तो इन सारी चीजों को लेकर आज गृह राज्य मंत्री की बैठक होगी, वहाँ पर वो अपनी मांग रखेंगे। ये उसी कंटेक्स्ट में आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर के नेताओं को बुलाकर प्रधानमंत्री के साथ एक बैठक हुई थी, उसी हिसाब से गृह मंत्रालय में गृह राज्य मंत्री आज नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। उसके बाद ये नेता क्या किसी और बड़े नेता से मिलते हैं, इसके बारे में अभी तस्वीर साफ हुई है। देवेंद्र पराशर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो सियासी गर्मी के साथ साथ मौसम का तापमान भी आसमान छू रहा। दिल्ली NCR में गर्मी ने इस साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बुधवार को दिल्ली का पारा 44 डिग्री के पार चला गया और ये इस साल का सबसे गर्म दिन था। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में एक हफ्ते तक मॉनसून के आसार नहीं है। आज भी बेतहाशा गर्मी पड़ेगी, लेकिन कल और परसों थोड़ी राहत मिल सकती है, क्योंकि दिल्ली NCR में कल परसों हल्की बारिश होने का अनुमान है। दिल्ली में सबसे ज्यादा तापमान कल 44.4 डिग्री नजफगढ़ में रिकॉर्ड किया गया, जबकि पीतमपुरा में तापमान 44.3 डिग्री रहा। ये हीट वेव की कंडीशन हमारे पास रहेगी दिल्ली NCR में, और साथ ही साथ देखेंगे कि 2 तारीख और 3 तारीख में हल्की फुल्की बारिश और रेनफॉल हो सकती है, तो उसके चलते थोड़ा सा तापमान हमारे पास गिर सकता है और लगभग तापमान 38 डिग्री सेंटीग्रेड आ सकता है, जो मुख्यतः 2 और 3 तारीख में रहेगा हमारे पास। और कोई खरी बहुत मेजर एक्टिविटी हमारे पास अगले 3 से 4 दिनों में नहीं होगी। देखिए, मानसून के लिए अभी कंडीशन हमारे पास फेवरेबल नहीं है, अगले 6-7 दिनों तक वो कंडीशन ऐसी फेवरेबल बन भी नहीं रही है, तो आप ये कह सकते हैं कि लगभग 6-7 जून तक दिल्ली NCR में और जो बाकी इससे हमारे पास बचे हुए हैं उसमें मानसून आने की संभावना नहीं है। तो दिल्ली में कल तापमान 44 डिग्री के पार चला गया और आज भी राहत के आसार नहीं। दीक्षा पांडे की एक रिपोर्ट देखिए। बीते कुछ दिनों से राजधानी दिल्ली में लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है, जिसके चलते दिल्ली वासियों को चिलचिलाती धूप और उसके साथ ही उमस भरी गर्मी से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। दिल्ली वासी एक तरफ बेसब्री से मॉनसून का इंतजार कर रहे हैं, वहीं पर उन्हें लू के थपेड़े झेलने पड़ रहे हैं। लगातार बहती लू को देखते हुए मौसम विभाग ने 2 दिन का येलो अलर्ट जारी किया है। अगर बीते दिन की बात करें तो बीते दिन 43 डिग्री सेल्सियस रहा मौसम का, ऐसे में लोग चिलचिलाती धूप से परेशान जरूर हुए। वहीं आज का जो अनुमान जताया जा रहा है कि आज भी 42 से 43 डिग्री के बीच में तापमान जा सकता है। फिलहाल विजय चौक पर मौजूद हूँ, सुबह का वक्त है, लेकिन अगर अभी भी आप यहाँ की तस्वीर देखेंगे, बिल्कुल कड़क धूप है, धूल भरी आंधी भी चल रही है और पूरे दिन इसी तरह से लू बहती रहेगी। सुबह होते ही गर्म हवाएं चलने लगती हैं, लेकिन शाम होते होते ये हवाएं रुकती नहीं हैं। ऐसे में जाहिर तौर पर दिल्ली वासी इस भयानक गर्मी को झेल रहे हैं। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले वक्त में यानी 2 से 3 जुलाई को मौसम का तापमान गिरने वाला है और उसके साथ ही बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश होगी, लेकिन इस बार लोगों को मॉनसून के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में अगर मॉनसून की बात करें तो 26 जून तक यहां पर हिट करता है, 26 से 30 जून के बीच में, लेकिन इस बार देरी हो रही है। हालांकि इसके जल्दी आने के अनुमान जताए गए थे, लेकिन एक बार फिर से राजधानी दिल्ली वालों को यहां पर लंबा इंतजार करना पड़ रहा है मॉनसून का। कैमरा पर्सन प्रमोद के साथ दीक्षा पांडे, इंडिया टीवी, दिल्ली।
दिल्ली की गर्मी से दिल्ली की जनता परेशान है। लोगों का कहना है परेशानी है, लेकिन काम की वजह से बाहर निकलना मजबूरी है। ये सब कोर्स गर्मी तो काफी ज्यादा हो रही है और मार्केट में निकल नहीं पा रहे हम लोग। इमरजेंसी था, इसने कुछ काम में लेके आए थे, अदरवाइज तो बाहर निकलने का बिल्कुल मन नहीं है। और मॉनसून का लग रहा था कि आ जाएगा इस टाइम तक, बट कोई प्रोबेबिलिटी चांसेस नहीं लग रही इस टाइम तक। गर्मी से बचने के लिए क्या कर रहे हैं? फिलहाल तो अभी शिकंजी भी रहते आपके सामने, बाकी ऐसे ही घर पे नींबू पानी एंड ऑल जो भी जूसेस वगैरह है वही चल रहा है अभी तो। और बेसिकली गर्मी तो कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही है, और पिछले टाइम से जो अपने मॉनसून के अकॉर्डिंगली 26 को आना था, लेकिन मॉनसून भी ऑल लेट आ रहा है, और मेरे एग्जाम भी था आज, एग्जाम में भी काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। बच्चों की कोरोना वैक्सीन पर एक अच्छी खबर आई, जायडस कैडिला ने बच्चों की वैक्सीन तैयार कर ली। इसके लिए 3 क्लिनिकल ट्रायल को भी पूरा कर लिया गया। तीसरा क्लिनिकल ट्रायल के पूरा होने के बाद जायडस कैडिला ने ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से इस वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मांगी। कंपनी ने कहा कि उसे 12 साल और उससे ज्यादा उम्र के बच्चों की वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी दी जाए। जायडस कैडिला की बच्चों की वैक्सीन तो तैयार हो गई, लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट वाली बच्चों की वैक्सीन पर एक बुरी खबर आई। सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी की एक्सपर्ट कमेटी ने कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन का ट्रायल रोकने की सिफारिश की और उसे DCGI ने मान लिया। सीरम इंस्टीट्यूट को 2 से 17 साल की उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीन बनाने की मंजूरी मिली थी। सीरम ने इसका नाम कोवोवैक्स रखा था। कंपनी ने 28 जून को DCGI के पास इसका ट्रायल शुरू करने के लिए अप्लाई किया, लेकिन ट्रायल को लेकर एक्सपर्ट कमेटी ने कुछ तथ्यों पर असहमति जताई है। सीरम इंस्टीट्यूट ने 28 जून को CDSCO यानी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के पास आवेदन भेजा था, जिसपे कहा गया था कि वो देश में 10 जगहों पर 920 बच्चों पर ट्रायल शुरू करना चाहती है। इन बच्चों को 2 से 11 साल और 12 से 17 साल दो एज ग्रुप में बांटा गया। सीरम की एप्लीकेशन पर CDSCO की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने पाया कि वैक्सीन अभी किसी देश में मंजूर नहीं की गई। सीरम कोवोवैक्स नाम की वैक्सीन अमेरिकी कंपनी नोवावैक्स के साथ मिलकर बना रही है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने कहा अप्रूवल के लिए सीरम को वयस्कों पर ट्रायल के सेफ्टी से जुड़े डेटा जमा करने होंगे। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का ट्रायल दिल्ली और पटना एम्स में चल रहा। इसके साथ ही जायडस नाम की वैक्सीन का भी बच्चों पर ट्रायल चल रहा। ट्रायल की प्रक्रिया पूरे होने में अभी 6 महीने का वक्त लग सकता है। सरकार फाइजर और मॉडर्ना की बच्चों वाली वैक्सीन मंगवा सकती है जिनका ट्रायल पूरा हो चुका है। देश में 217 साल तक के बच्चों के लिए 25 करोड़ वैक्सीन की जरूरत है। आज की एक और बड़ी खबर, आज डॉक्टर्स डे के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के डॉक्टर्स को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। IMA के एक कार्यक्रम में पीएम मोदी देश भर के डॉक्टर्स से वर्चुअली जुड़ेंगे। पीएम मोदी का संबोधन दोपहर 3 बजे शुरू होगा। महामारी के दौरान मारे गए डॉक्टर्स को श्रद्धांजलि के साथ पीएम मोदी कोरोना की दूसरी लहर के अनुभव और तीसरी लहर से पहले चुनौतियों के बारे में भी बात करेंगे। देश को COVID-19 के खिलाफ जंग में भूमिका निभा रहे डॉक्टर्स पर गर्व है। 1 जुलाई को देश नेशनल डॉक्टर्स डे मना रहा। आज दोपहर 3 बजे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के कार्यक्रम में हिस्सा लूंगा और डॉक्टर्स को संबोधित करूंगा। दोपहर 3 बजे जब प्रधानमंत्री देश के डॉक्टर्स को वर्चुअल तरीके से संबोधित करेंगे, तब तमाम बातें होंगी। पीएम ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि नई परिस्थितियों में कोरोना से कैसे लड़ा जाए। पीएम मोदी इन डॉक्टर्स को श्रद्धांजलि भी देंगे जो योद्धा की तरह अपनी ड्यूटी के दौरान मौत के मुंह में समा गए। 30 जून को जारी आंकड़ों के मुताबिक दूसरी लहर में सबसे ज्यादा दिल्ली के 128 डॉक्टर्स की मौत हुई। उसके बाद बिहार में 115, यूपी में 79, पश्चिम बंगाल में 62, तमिलनाडु में 51 डॉक्टर्स की जान गई, जबकि केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में 1 डॉक्टर की मौत हुई। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।